तो एंटेना एंड वेव प्रोपेगेशन की यूनिट नंबर 5 में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, जिसके अंदर दो टॉपिक्स हैं प्लेन अर्थ रिफ्लेक्शन और स्पेस वेव एंड सरफेस वेव, वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईएम वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली जो भी एनर्जी ट्रांसमीटर के थ्रू जनरेट की जाती है और उसको फीड किया जाता है ट्रांसमिटिंग एंटेना पर, जिससे कि वो फ्री स्पेस में रेडिएट कर सके। तो जो फ्री स्पेस में रेडिएट होने वाली एनर्जी है वो उस मोड ऑफ ट्रैवल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि जो फ्री स्पेस में एनर्जी ट्रैवल हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हो रही है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक वेव है, फॉर एग्जांपल आप इस फिगर में देख सकते हो। तो अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पर इसकी वैल्यू अलग अलग है, कि यहाँ पर ये अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू अलग अलग है, टाइम के साथ भी चेंज हो रही है और डिस्टेंस के साथ भी चेंज हो रही है। अगर मेरे पास एक दूसरी वेव है जिसको बोलते हैं ट्रैवल, ये मेरी ट्रैवलिंग वेव है पहली वाली वेव, दूसरी वाली है स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो अगर ये स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव में क्या कुछ पर्टिकुलर पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है मेरी वेव का, तो वो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट फेज में होता है, तो वो रिजल्टेंट वेव कैंसिल हो जाती है। मुझे लगता है कि वो वेव आगे ट्रैवल नहीं कर रही है, वो वहीं पर रुकी हुई है। और इस तरीके से तीसरी वेव है, अगर वो एटेन्यूएशन के साथ, टाइम के साथ साथ, डिस्टेंस के साथ साथ वो एटेन्यूएट होती जाए, वेव का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता रहे। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईएम वेव। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे हम जनरल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन उस फील्ड का वेक्टर क्या है, या बेस्ड ऑन फील्ड के कंपोनेंट्स क्या हैं, या बेस्ड ऑन उनका मोड ऑफ प्रोपेगेशन क्या है। इस तरीके से हम कई तरीके से अपनी वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो क्लासिफिकेशन दिया है ये जनरल वेव है, क्योंकि ये टर्म्स हम आगे यूज़ करेंगे। पहली है प्लेन वेव। फेजर फॉर्म में, यानी अगर मैं उसको ई की पावर जी ओमेगा टी वाला पोर्शन हटा करके जो देखता हूँ, टाइम का फंक्शन हटा करके जो एक्स वाई जेड का फंक्शन देखता हूँ, वो मेरा फेजर फॉर्म होता है। और उस फेजर फॉर्म में एक प्लेन वेव को डिफाइन करते हैं कि वो एक इक्वी फेज सरफेस जो है वो उसका एक प्लेन है, है ना। यानी जो भी इक्वल फेज वाले पॉइंट्स हैं वो सरफेस जो बनेगी उससे वो एक प्लेन में होंगे, तो वो प्लेन वेव है। दूसरी है यूनिफॉर्म प्लेन वेव। ये अगर इक्वी फेज सरफेस अगर इक्वल एम्पलीट्यूड की भी हो तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म प्लेन वेव, ठीक है। तीसरा है स्लो वेव। अगर मेरी वेव की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वेव मेरे ट्रैवल कर रही है, इक्वी फेज सरफेस नॉर्मल टू द इक्वी फेज सरफेस, मतलब जो नॉर्मल कंपोनेंट है उस वेलोसिटी का, वो स्पीड ऑफ लाइट से कम है, तो हम उसको स्लो वेव बोलते हैं। अगर फॉरवर्ड वेव मेरी जो वो वेव होती है जो उस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है जिस पॉइंट में वो असाइन की जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से जिस पॉइंट पर वो वेव असाइन की जाती है, अगर उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो वो फॉरवर्ड वेव है। बस शर्त यह है कि वहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। बैकवर्ड वेव वो वेव है जो मेरी उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस आती है वहां से टकराने के बाद। यानी ओरिजिन से अगर मेरी वेव इस पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रही है, ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, इसको मैं फॉरवर्ड वेव बोल रहा था, तो अगर यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है जिसकी वजह से वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो जो रिफ्लेक्ट होने वाली वेव है वो बैकवर्ड वेव बोली जाएगी। इसके बाद है ट्रैवलिंग वेव। जब एक वेव केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, और कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव प्रेजेंट नहीं होती है, उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस केस में जो वेव होती है उसको ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं। अगर कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव प्रेजेंट नहीं है, कोई भी वेव का पार्ट रिफ्लेक्टेड वेव का पार्ट नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे ट्रैवलिंग वेव। अब बात करते हैं स्टैंडिंग वेव की। अगर फॉरवर्ड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होती हैं, हमने अभी पीछे जो इमेज देखी थी उसमें स्टैंडिंग वेव मैंने आपको बताई भी है, तो फॉरवर्ड वेव भी है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है, अगर वो दोनों कंबाइन करी जाएं तो उसको हम एक स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। इस वेव को, सच अ वेव डज नॉट प्रोग्रेस,
ये ऐसा लगता है हमें कि वो आगे नहीं बढ़ रही है, और मैक्सिमा और मिनिमा उस वेव के अलग अलग टाइम इंस्टेंस पे ऐसा लगता है कि वो सेम लोकेशन पे हैं, लेकिन अलग अलग एम्पलीट्यूड्स के साथ हैं, तो हम इसको बोलते हैं ये हमारी स्टैंडिंग वेव है। अगर मैं सरफेस वेव की बात करता हूँ, तो सरफेस वेव वो वेव है जो कि दो सरफेस के बीच में, दो मीडिया के बीच में जो सरफेस है उसके थ्रू सपोर्ट की जाती है। जैसे कि एक सरफेस वेव वो होगी जो कि पैरेलल प्रोपेगेट होगी इंटरफेस के, दैट डिकेज वर्टिकली टू इट। यानी मैं उस सपोज एक एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, तो यहाँ पर इसके बीच में वो ट्रैवल कर रही है, और अगर मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ या इससे बाहर जा रहा हूँ, उन दोनों सरफेस के बाहर जा रहा हूँ, तो वो डीके कर रही है ना। ये जो वेव है ये ग्राउंड वेव हम बोलते हैं, ये जो ग्राउंड वेव्स हैं, ग्राउंड वेव्स सरफेस वेव और स्पेस वेव्स से कंपोज्ड होती हैं, है ना। सरफेस वेव वो वेव है जो कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंटेनाज लोकेटेड नियर टू द ग्राउंड। अगर मैं ग्राउंड के पास में कोई एंटेना लगाता हूँ, वहाँ से जो वेव्स ओरिजिनेट होंगी उसको बोलेंगे सरफेस वेव। और जो मेरी स्पेस वेव है, वो स्पेस वेव किसी एलिवेटेड एंटेना, ऊंची हाइट पर अगर कोई एंटेना लगा हुआ है, वहाँ से जो वेव जनरेट हो रही है उसको बोलेंगे एलिवेटेड एंटेना। तो ग्राउंड वेव जो होती हैं, जो अभी ग्राउंड वेव प्रोपगेशन हम पढ़ेंगे भी, वो बेसिकली सरफेस वेव और स्पेस वेव का कॉम्बिनेशन होती है। मतलब सरफेस वेव वो जो लगभग पैरेलल टू ग्राउंड प्रोपेगेट करती हैं, और स्पेस वेव वो जो किसी टिल्टेड एंगल पर प्रोपेगेट करती हैं फ्रॉम द एंटेना, विच इज एलिवेटेड, सिचुएटेड एट सम एलिवेशन एंगल। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैप्ड वेव। अगर कोई ऐसी सरफेस वेव है जो कि ट्रैप हो जाती है, दैट मीन्स वो एनर्जी स्मॉल डिस्टेंस पर ही कैरी कर पाती है, आगे डिस्टेंस पर कैरी नहीं करती, उसको हम बोलते हैं ट्रैप्ड वेव। दिस वेव डज नॉट रेडिएट एक्सेप्ट एट डिसकंटिन्यूटीज, वो केवल और केवल डिसकंटिन्यूटी पर ही रेडिएट करती है, बाकी कहीं पर रेडिएट नहीं करती, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी की वजह से वो एनर्जी स्कैटर होती है, और स्कैटर की वजह से हो सकता है कुछ पोर्शन थोड़ी आगे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाए, अदरवाइज वो वेव वैसे ही ट्रैप हो जाएगी टर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर पे। इसके बाद अगली वेव है लीकी वेव। लीकी वेव जब हम, ये जो डिसकंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूटी अगर बहुत ज़्यादा है उस पूरी लाइन में, है ना, और ये कंटिन्यूअस परटर्बिंग सरफेस बनाती हैं, कंटिन्यूअस रफ स्ट्रक्चर सरफेस का बनाती हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो वेव है ये एक लीकी वेव में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वो कैरी करती है लेकिन टॉप बाउंड्स ऑफ द डक्ट पे कैरी करती है, मतलब उस स्ट्रक्चर में जो डिसकंटिन्यूटी है उसके टॉप पर ही वो लीकी वेव एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन की। तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में बेसिकली वो वेव जो ट्रैवल करती हैं या ग्लाइड करती हैं ओवर द अर्थ सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वेव बोलते हैं। ठीक। अब ग्राउंड वेव्स को हम यूजुअली क्या बोलते हैं, ये वर्टिकली पोलराइज्ड हैं, और वो वर्टिकली पोलराइज्ड वेव बेसिकली अर्थ की सरफेस पर कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक वर्टिकली पोलराइजेशन मेरे पास रहेगा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक वेव की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है ना, और यहाँ पर मेरी अर्थ है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, प्लस प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस के अराउंड नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर सरफेस, अगर वेव का पोलराइजेशन इधर की तरफ होता, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता, ये पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करता। तो बेसिकली ये इंड्यूस करता है चार्ज को, वर्टिकली पोलराइज वेव जो ग्राउंड वेव्स होती हैं। अब नंबर ऑफ पोल, नंबर कि कितने चार्ज इंड्यूस होंगे और उसकी पोलैरिटी क्या होगी, ये टाइम के साथ साथ और इंटेंसिटी और लोकेशन के साथ साथ वेव फील्ड की चेंज होती रहती है, क्योंकि मेरी वेव एक टाइम का फंक्शन भी है, डिस्टेंस का फंक्शन भी है। तो अगर टाइम चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी पोलैरिटी भी चेंज होगी। हो सकता है साइन वेव है तो एक टाइम पॉजिटिव साइकिल आएगी, एक टाइम नेगेटिव साइकिल आएगी। अगर वो डैम्ड साइनोसॉइडल वेव है, मतलब वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, या डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, या इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियल है, कुछ भी फंक्शन है, तो बेसिकली वो क्या होगा, वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा, और टाइम के साथ साथ भी और कोऑर्डिनेट्स के साथ भी। इसीलिए जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो कि इंड्यूस होंगे और उनकी पोलैरिटी जो है वो मेरी हर समय हर टाइम चेंज होती रहेगी उस पर्टिकुलर वेव फील्ड के अलॉन्ग। ये जो वेरिएशन है ये एक करंट को जनरेट करेगा, और इस करंट
की वजह से ये अर्थ जो है वो एक लीकी कैपेसिटर की तरह काम करेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अगर ये मैं साइड व्यू देखूँ, मतलब वेव मेरी जेड में प्रोपिगेट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने दे रखी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल एक्स डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट है, दैट मीन्स वो केवल एक्स में एक तरीके से पोलराइज है। ठीक, या एच एच फील्ड है वो जेड में ट्रेवल कर रही है तो माइनस एक्स में पोलराइज है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं तो फ्रंट व्यू में मतलब मैंने वाई वाई जो एक्सिस थी वो अब इधर ले लिया, तो वेव मेरी ट्रैवल हो रही है इधर की तरफ। ठीक है, वेव मेरी ट्रैवल हो रही है इधर की तरफ, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इधर की तरफ होंगे, वो मुझे दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर कुछ इधर की तरफ घूम गया, वाई इधर इधर आ गया, जेड उधर की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये जेड इधर नहीं है, जेड अंदर की तरफ है। तो जब जेड अंदर की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइन मुझे क्या लगे, पैरेलल सरफेस टाइप की दिखेंगी, अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग। और ये लीकी कैपेसिटर है, मतलब अलोंग अ कैपेसिटर जो करंट डिस्ट्रीब्यू करंट जनरेट हो रही है वो एक रेजिस्टर के थ्रू डिसिपेट होती चली जा रही है। तो एक कैपेसिटर जो चार्ज हुआ वो चार्ज बेसिकली लीक भी होता रहा, इसीलिए इसको लीकी कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में जब भी हम डिस्कशन करेंगे तो हमें हमेशा अर्थ की सरफेस को एक लीकी कैपेसिटर की तरह रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी स्टडीज को आगे कैरी करने के लिए। अब बात करते हैं कि जब वेव ट्रैवल करेगी एक सरफेस पे, तो ऑब्वियसली लीकी सरफेस है, दैट मीन्स फील्ड या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, वीक होती जा रही है, और ये वीक होने की वजह से उस एनर्जी का कुछ ना कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होता जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ये एब्जॉर्प्शन देखूं तो ये एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, पावर लॉस को इनकॉर्पोरेट करेगा अर्थ के रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ करंट का फ्लो है, जो करंट का फ्लो उस अर्थ के रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस हो गया, क्योंकि वो आगे कैरी करा नहीं, और वो ही मेरा एब्जॉर्प्शन हो गया उस पर्टिकुलर एनर्जी के कुछ पार्ट का। अब ये एनर्जी जो है ये पार्टली रिप्लेनिश्ड बाय डिफ्रेक्शन ऑफ द एनर्जी डाउनवर्ड फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द वेव प्रेजेंट। क्या मतलब है कि इस एनर्जी के अगर मैं लॉस को देखूं तो वो क्या होगा, बेसिकली एनर्जी जो भी डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ जा रही थी वहां पर जो भी डिफ्रेक्शन हो रहा है, डिफ्रेक्शन मतलब अगर वेव कुछ अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो गई अर्थ की सरफेस पे, तो वो डिफ्रेक्शन बेसिकली ये एनर्जी लॉस को जनरेट करेगा। ठीक है, फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द वेव प्रेजेंट समवट अबव द इमीडिएट सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ सर्फेस के ऊपर मेरी वेव प्रेजेंट है वो प्रेजेंट वेव, लॉजिकली सारी की सारी वेव मेरी ऊपर ही प्रेजेंट होनी चाहिए अर्थ की सर्फेस के ऊपर, क्योंकि वो वेव कैरी कर रही है, लेकिन चूंकि वो एनर्जी लॉस हो रहा है, तो एनर्जी लॉस किस वजह से हो रहा है, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी अर्थ के सर्फेस के अंदर पेनिट्रेट कर गया डिफ्रेक्शन की वजह से डाउनवर्ड, और वो मेरा बेसिकली लॉस एनर्जी को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल किया जाएगा। ये एनर्जी जो है ये पूरी की पूरी एनर्जी प्रोपेगेट करेगी अर्थ की सरफेस के अलोंग, और इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये लगभग लगभग ग्राउंड वेव है, क्योंकि जो पोर्शन पेनिट्रेट करके अर्थ की सरफेस में चला गया वो तो आगे कैरी करेगा नहीं। ठीक है ना, लीकी कैपेसिटर की वजह से वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली लीक हो जाएगा या कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन जो एनर्जी उस ग्राउंड की सरफेस के ऊपर कैरी कर रही है वो मेरी प्रोपेगेट होती रहेगी, और उसको हम बोलेंगे ग्राउंड वेव। अब कि अर्थ की सरफेस जो है वो नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं प्लेन, अगर अगर मैं इस डिस्टेंस डी को, जो मेरी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इस फॉर्मूले से हमेशा कम हो या इक्वल हो, ठीक है, अगर इससे कम है तो वो मेरी अर्थ की सरफेस एक प्लेन सरफेस की तरह कंसीडर करी जाएगी, और अगर इससे ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा कि मेरी अर्थ की सरफेस जो है वो एक स्फेरिकल या कर्व वाली सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं है। ठीक है, ये डी जो है ये डी डिस्टेंस है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, तो जो ट्रांसमीटर एंटीना था और जो रिसीवर एंटीना था उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, और डी को कैलकुलेट करते हैं 50 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की वेव ट्रेवल कर रही है दैट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इन मेगाहर्ट्ज़, तो एफ इन मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पर लिखा है, और उसकी पावर 1/3, और ये जो वैल्यू आएगी ना दैट विल बी इन माइल्स। तो अगर मेरी डिस्टेंस ट्रांसमीटर और रिसीवर की डिस्टेंस उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो डी आता है उससे ज़्यादा है तो मेरी सरफेस प्लेन नहीं है, और उससे कम है तो मेरी सरफेस प्लेन है। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे।
अब इस डिस्टेंस के बियॉन्ड जो भी रीजन आएगा उसमें हम अर्थ की कर्वेचर को भी काउंट करेंगे, अपने कैलकुलेशन में लेंगे। ये जो स्टडी ऑफ प्रोपगेशन है, इस स्टडी ऑफ प्रोपगेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक मेरा द वेव प्रोपगेशन ओवर द प्लेनर अर्थ, अगर मेरी डिस्टेंस जो है वो कम है उस डी से तो मेरी प्लेन अर्थ हो गई, और अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम बोलेंगे स्फेरिकल अर्थ। तो ये पूरा प्रोपगेशन हम दो पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे, वेव प्रोपगेशन ओवर द प्लेन अर्थ और वेव प्रोपगेशन ओवर द स्फेरिकल अर्थ। अब प्लेन अर्थ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो प्लेन अर्थ रिफ्लेक्शन में कोई भी एलिवेटेड ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना है, अगर लाइन ऑफ साइट में है आपस में, मतलब वो ट्रांसमिटिंग एंटेना और रिसीविंग एंटेना के बीच में एक डायरेक्ट लाइन अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट अवेलेबल है। तो जो रिसीव्ड रिजल्टेंट सिग्नल है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होगा दो अलग अलग सिग्नल्स का, एक वो जो डायरेक्ट सिग्नल पहुंच रहा है और एक वो जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंच रहा है। आप इस फिगर से क्लियरली देख सकते हो, ये मेरा ट्रांसमिटिंग एंटेना है और ये मेरा रिसीवर एंटेना है, इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट वेव मतलब लाइन ऑफ साइट पाथ एग्जिस्ट करता है। तो जो इस रिसीवर एंटेना पर ट्रांसमिटिंग एंटेना की वजह से वेव पहुंचेगी वो एक तो होगी डायरेक्ट वेव और एक होगी इससे अर्थ प्लेन अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वेव पहुंचेगी वो। तो ये मेरी रिफ्लेक्टेड वेव है और ये मेरी डायरेक्ट वेव है। तो अगर मैं रिसीवर एंटेना पर टोटल रिजल्टिंग फील्ड निकालना चाहूँ, रिजल्टेंट फील्ड निकालना चाहूँ, तो वो क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा डायरेक्ट वेव का और रिफ्लेक्टेड वेव का। अगर मेरी सरफेस स्मूथ है तो कुछ अलग तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर स्मूथ नहीं है, रफ है, तो हम कुछ अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और इसीलिए यहाँ पर हम एक रफनेस फैक्टर को भी इंक्लूड करेंगे। अगर अर्थ रफ है दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड वेव टेंड्स टू बी स्कैटर्ड, अगर वो स्मूथ है तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, केवल एक रिफ्लेक्शन होगा डायरेक्ट वेव जो मेरी अर्थ पर पड़ रही है प्लेन अर्थ पे, वहाँ से एक रिफ्लेक्टेड वेव होगी। लेकिन अगर स्कैटरिंग हो रही है मतलब सरफेस रफ है, छोटे छोटे परटर्बेंस है या डिफरेंसेस हैं उस अर्थ सरफेस पे, तो वहाँ पर क्या होगा, वो वेव यहाँ पर टकराएगी और टकराने के बाद कई सारे कंपोनेंट्स में डाइवर्ट हो जाएगी। तो एक पूरी वेव रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो रिसीविंग एंटेना पे ना पहुँच के उसका कुछ पार्ट रिसीविंग एंटेना पे पहुँचेगा। तो अगर मैं उस स्कैटरिंग को एज्यूम नहीं करना चाहता तो मैं मान के चलूंगा कि मेरी अर्थ सरफेस स्मूथ है, और अगर मेरी सरफेस रफ दे रखी है तो मुझे उस स्कैटरिंग को भी अपनी स्टडी के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से यानी उस एक छोटे से डिस्टरबेंस की वजह से जो सरफेस पर अवेलेबल है उसकी वजह से एक वेव मेरी बहुत सारे पार्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी और वहाँ पर स्कैटर हो जाएगी बेसिकली, और उसकी वजह से एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा। ये रफनेस को हम रेले क्राइटेरिया से एक रिलेशन के थ्रू गवर्न करते हैं, और वो वैल्यू है आर इक्वल्स टू 4 पाई सिग्मा साइन थीटा डिवाइड बाई लैम्डा, वेयर ये जो मेरा आर है वो रफनेस फैक्टर है, सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है सरफेस की इरेगुलरिटीज पे रिलेटिव टू मीन सरफेस हाइट। मतलब अगर मैं एक सरफेस डिजाइन करूँ, है ना, ये एक सरफेस डिजाइन करूँ और इस सरफेस पे कुछ छोटे छोटे एक तरीके से इस रफनेस अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या कुछ भी हैं, छोटे गड्ढे हैं या कुछ भी आप बोल दो, ठीक है, तो इसकी मीन सरफेस हाइट कितनी है ना। सपोज यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है, यहाँ पर छोटा सा कोई छोटा सा ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कुछ भी है, ठीक, तो इसकी मीन सरफेस हाइट कितनी होगी, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि केवल एक जगह पे है, ये डिस्टेंस तो किलोमीटर्स में भी हो सकती है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक करके और उसको इनफाइनाइट छोटी छोटी स्मॉल सर्फेसेस से मिलकर के बना हुआ मानना पड़ेगा, और चूंकि ये डिस्क्रीट डेटा हो जाएगा तो उस डिस्क्रीट डेटा पे हम स्टैंडर्ड डिविएशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है सर्फेस इररेगुलरिटीज का रिलेटिव टू मीन स्क्वायर सर्फेस हाइट। थीटा जो है मेरा एंगल है मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल एंगल, उस नॉर्मल एंगल से ये जो एंगल है दैट विल बी थीटा, ठीक है। लैम्डा मेरी ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, और आर की वैल्यू अगर मेरी 0.1 से कम होती है तो मैं बोलता हूँ कि मेरी सरफेस स्मूथ है, और अगर 10 से ज़्यादा होती है तो मैं बोलता हूँ कि मेरी सरफेस जो है वो रफ है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर रफनेस फैक्टर के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में।
उसके बाद हम चलते हैं स्पेस वेव एंड सरफेस वेव। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है स्पेस वेव। ग्राउंड वेव कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, जब मैं वेव्स का डिस्क्रिप्शन दे रहा था, वेव के टाइप्स बता रहा था, क्लासिफिकेशन कर रहा था, तो मैंने बताया था कि वेव को हम दो कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ग्राउंड वेव को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेसिकली, एक होती है स्पेस वेव, एक होती है सरफेस वेव। सरफेस वेव और स्पेस वेव अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करती हैं। जैसे स्पेस वेव जो है वो डोमिनेट करती है लार्जर डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, अर्थ के ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम स्पेस वेव डोमिनेट करेगी। और अगर एंटेना की हाइट कंपेरेटिवली कम है, मतलब अर्थ के ऊपर हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, अर्थ की सर्फेस के पास ही रह रहे हैं, तो हम सर्फेस वेव से अपनी स्टडी को कैलकुलेट करेंगे, या अपनी स्टडी में इन सर्फेस वेव को इस्तेमाल या ज़्यादा वेटेज देंगे। तो अगर मेरा ये एक हाइट है, हाइट का एंटेना है, और ये ट्रांसमिटिंग एंटेना है, ये रिसीविंग एंटेना है, डायरेक्ट पाथ अवेलेबल है लाइन ऑफ साइट, और ये रिफ्लेक्टेड पाथ है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड पाथ है ना, ये रिफ्लेक्टेड वेव कहाँ से आ रही है? रिफ्लेक्टेड वेव अगर मैं इस वेव को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ, तो ये क्या होगा, बेसिकली ये उतनी ही हाइट का ग्राउंड के नीचे की तरफ वाले एंटेना, अगर एक इमेजिनरी एंटेना मानूँ, इमेज मानूँ अगर मैं उसको, तो वो वेव जो ये वाली रिफ्लेक्टेड वेव है, वो बेसिकली मुझे इसकी मिरर इमेज से आती हुई लगेगी, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एंटेना देखता हूँ, तो इस एंटेना पर तो दो वेव मिलेंगी, एक डायरेक्ट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव, और रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो बेसिकली इस इमेज से आती हुई लगेगी। तो मेरे को सरफेस वेव अगर रिज्यूम करनी है, तो सरफेस वेव अगर रिज्यूम करूँगा, दैट मीन्स अगर मैं उस एंटेना की हाइट को कंपेरेटिवली बहुत छोटा बनाऊँ, मतलब डायरेक्ट वेव नहीं है, केवल और केवल रिफ्लेक्टेड वेव ही है मेरे पास, ठीक। और अगर मैं इसकी हाइट ज़्यादा कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन ऑफ साइट वाले डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होगी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वेव यानी स्पेस वेव को ही डोमिनेट करता हुआ मानूंगा, ठीक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।